All right, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to our brand new show. It's called the Great Indian, Indian Podcast. Podcast. <laughs> और ब्रीफली अगर मैं बताऊं आपको हमारे इस नए शो के बारे में तो हम चार लोग मिलकर बैठकर बातें किया करेंगे हर एपिसोड में अबाउट अ डिफरेंट कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया और हम तीनों से तो आप परिचित हैं मुझसे राजेश से जैन से सौम्या भी हमारे साथ है मैं चाहता हूं सौम्या सबसे पहले विदाउट फर्दर अड्यू आप हमारी ऑडियंस के लिए खुद को इंट्रोड्यूस कर दें ब्रीफली ओके सो हाय गाइस दिस इज सौम्या आई हैव बीन हियर सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम यू माइट हैव सीन मी अबाउट 2 3 इयर्स अगो इन अ वीडियो and I am still the producer of honest how reviews. How self obsessed you are. कोई एक वीडियो क्या है? तो अब मैं अपना याद होगा तुम्हें. Also, Somya, your introduction is almost like you have come for an interview. Ha. Hi guys, I'm Somya. <laughs> <laughs> you might have seen. <laughs> This is not a roast show, so, yeah. so, guys. Yeah. 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 No, no. Sorry. मैं बताइये तो Somya basically आज तक जितने भी honest reviews आपने देखे हैं सारे इसने produce किए हैं और जब से views का माने शुरू हैं तब से direct भी कर रही हैं. So that's Sadly Somya for you guys. That is honestly एकदम सही. हाँ. बट आज सबसे पहले जिस चीज की हम बात करने जा hmm. रहे हैं इन आर फर्स्ट एवर एपिसोड तो हमने सोचा वॉट बेटर देन टू टॉक अबाउट द ग्रेट इंडियन वेडिंग्स दो लोगों ने कर लिया है दो करना चाह रहे हैं किन्नी किन्नी कारणों से रुकी हुई है उनकी हो नहीं पा रही है क्या बात करो <laughs> आपस में नहीं करना चाह <laughs> yeah. कि मतलब, समय और मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप तीनों और मैं भी फिर शेयर करूंगा पहली मेमोरी क्या है आपके यादों में की पहली शादी कौन सी आपने अटेंड की थी या देखी थी तैयारी की थी कौन सी वो याद है यार मतलब इनिशियली तो जब आप शादी में जाओ तो आपको मुझे एक शादी बड़ी विविडली याद है बहुत छोटा था मैं आई कम फ्रॉम कानपुर और कानपुर और लखनऊ दो बड़े शहर उनके बीच में एक छोटी जगह है उन्नाव अब वहाँ मेरे किसी दूर के रिश्तेदार की शादी थे जा मैं जाना भी नहीं जाता था पर क्योंकि मेरी माँ ले गई मेरे को कि भाई चलो ज़बरदस्ती मैं शादी पर जाना है तो मैं वहाँ तीन घंटे खाली बलून वाले के सामने बैठा रहा मम्मी ने कहा बलून तो नहीं दिलाऊंगी शादी में आओ शादी अटेंड करो एंड आई रियलाइज वहाँ मेरा एक डिस्टिट कजन आ रहा है तब आई रियलाइज दट फर्स्ट मेमरी ऑफ दैट बॉय ऑल्सो एंड अट वेडिंग यू टू बी वेरी बोरिंग अगर आपके चार पाँच दोस्त हैं जो इधर उधर दौड़ सकें फालतू में देन आई थिंक माई फर्स्ट मेमरी ऑफ अ वडिंग इज देर उसके बाद ऐसे धीरे धीरे बड़ा होता है समझ में आना शुरू हुई शादी बचपन में आपके लिए शादियाँ बोरिंग थी कारपेट में लचके गिरते नहीं थे नहीं मैं बहुत वैसा टाइप का बच्चा था यार मैं बहुत टाइप का बच्चा था आप वो बच्चे नहीं थे ना जो तो फालतू तो रहते हम तो बच्चे हम जब खुद बच्चे थे और आप भी बच्चे कारपेट में लचके अगर बच्चे नहीं गिर रहे हैं शादी में क्या शादी ऑफ बच्चे इन शादी बच्चे शादी में एक अलग ही फोर्स होते हैं

नहीं अब आगे कर ना बचपन में तो मेरी एस्पिरेशन थी कि पहन के जाऊं आपकी क्या पहली मेमोरी है शादी की मेरी, मेरी आ, मुझे बहुत हल्का हल्का याद है मैं उसको मेरी बहन की शादी हुई थी तो मुझे उसकी थोड़ी थोड़ी यादें है लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैं बारात में गया था ना छोटा था मैं काफ़ी और मुझे वो शादी इसलिए याद है शायद उससे पहले भी गया हूँ लेकिन नहीं याद वो इसलिए याद है क्योंकि हाँ मुझे मिक्की माउस मिला था वो हवा वाला मिक्की माउस था ना कूदने के लिए कूदने वाला

सिर्फ लड़के थे मतलब बारात गई थी मेरे पापा थे मेरा भाई था और सिर्फ आदमी थे उस बारात में जनरली कम जाती थी जाती नहीं पहले है, अब मतलब जाने लगी कोई भी फीमेल नहीं थी और मुझे और मुझे इतना वियर्ड लग रहा है इतना वियर्ड लग रहा है कि क्या यहाँ तो मैं किस को बोलूँ क्या बोलू मुझे तैयार करे पापा ने तैयार व्यार किया एंड द मोस्ट हिलेरियस और एम्बेसिंग और वियर्ड थिंग वॉज कि मेरा एक कजन था लाइक यू सेट शेख उसने बहुत कॉफी पी ली उसने बहुत कॉफी पी ली <laughs> और उसने रात पे सारे दूसरे बच्चों पे उल्टी कर दी मेरे पे नहीं की बट बाकी इट वाज नाइस तो सही मेमोरेबल हुआ ना यार उसका अभी तक मजाक उड़ता है इस चीज के लिए बट इमेजिन कोई किसी की मम्मी नहीं है सबके पापा बच्चे उल्टिया कर रहे हैं सब बच्चे वापस आए थे तो तो बहुत बड़े होके गया था बचपन में लोकल शादियों में ही जाता था और लोकल शादियों में हमेशा लेट पहुंचता था मेरी बहुत क्लियर मेमोरी शुरुआत की दस पंद्रह शादी की है की मेरे पापा से शॉप बंद करके फिर लेट घर आते थे तो हमें कभी गोलगप्पे के तीनों पानी मिले ही नहीं <laughs> जब तक हम क्योंकि गोलगप्पे आई थिंक शादी में बहुत खाए जाते हैं और उसमें भी एक कोई दो पानी लोगों को बहुत पसंद आ जाते हैं तो जो सबसे कम खाया जाता है वो पानी बचा होता था फिर शायद कभी आटे के होते थे तो सूजी के नहीं होते थे मतलब मन भर के हमें गोलगप्पे नहीं मिलते थे हर शादी की मेरी मेमोरी है कि हम बहुत लेट पहुँचते थे और मेरे पापा का ये रहता था कि जब अपनी करोगे तो तब टाइम से पहुँच जाना कि अपनी में टाइम से पहुंचना तो अपनी करनी पड़ेगी उसके लिए तो तो बचपन से ही था उनका तो तुमने अपनी शादी में फिर गोलगप्पे खाए या नहीं एटलीस्ट खाए? खाए, तो कि किसी, तो तो। कि किसी बच्चे को इस वजह से लेट ना होना पड़े गोलगप्पा बाकी बच्चों का बहुत जैसे तेरे को यह था मेरे को भी एक याद है कि मेरे एक मामा की शादी थी तो उसमें ये तो था ही मिक्की माउस तो उन्होंने भाई एक ऐसा वो नेट का सा चैम्बर बना रखा था और उसके अंदर बहुत सारी बॉल्स पड़ी हुई थी मारो एक दूसरे को मैंने इतनी सारी बॉल एक साथ नहीं देखी थी <laughs> कभी मैं पग गया तो मैं सीधा कूदा उसके अंदर कि जो होगा देखा जाएगा <laughs> <laughs> मैंने सौंप दिया खुद को बॉल्स को भाई कितना मजा आएगा बॉल्स पे गिरने में तो मैं बॉल्स में जाके गिरा और ये मेरी खुशी ऐसे दुख में परिवर्तित हुई ना कि जैसे मैं लैंड कर रहा हूँ इतने में होता ही चल सुबह स्कूल भी जाना है और मेरी हर शादी में ये होता था कि एक तो लेट गए उसके बाद तो मम्मी तो रुकेंगी उन्हें ही ही की की पूरी रात करनी सब करना है लेकिन हमें पापा के साथ घर वापस भेज दिया जाता था, था क्योंकि हमें सुबह स्कूल भी जाना है और वो दुल्हन को विदाई में इतना दुख नहीं होता होगा जितना मुझे होता था वो मंडप छोड़ते हुए <laughs> उनका और मैं उन्हें देखता हुआ जा रहा हूँ सुबह स्कूल भी जाना है इस दुख के साथ। क्या मतलब मेन हाँ, मेन कोर्स पार्टी। हाँ, कोर्स पार्टी आज जो बचा वो मिला हुँ, हुँ. पूरा नहीं मिला कभी ये तो बात हुई हमारे बचपन की शादियों की सीधा फास्ट फॉरवर्ड करके <coughs> मैं जम्प करके आना चाहूंगा अब शादियां कितनी डिफरेंट हो गई हैं यार द फर्स्ट टाइम यू रियलाइज अब चीज़ें बदल रही हैं जैसे मैं बताऊं तो मैं शायद एट्थ नाइन्थ क्लास में रहूंगा तब मैंने पहली बार दुल्हन को डांस करके एंट्री करते हुए देखा और वो हमारे लिए ऐसा मोमेंट था ना मतलब मम्मियाँ और ये वाली जो पूरी जनरेशन थी वो तो ऐसे हो गई कि बताओ स्लीवलेस पहन के नाचती हुई आ रही

इस सम्बद्धी वो भी है तो लगा डेड बॉडी। शर्मिली। आइडियल। डेड बॉडी। शर्मिली नहीं। डेड बॉडी। कि वो यू पड़ी रहती है। वो <laughs> तो दो-तीन लोग उसका मुंह उठाते हैं यू करके। मुंह <laughs> करते हैं, फिर दो किच्चू आते हैं, फिर वापस रख देते हैं। So that was the ideal दुल्हन। But I think हमारे यहाँ तो this discovery जो तुम कह पहला चीज वो दुल्हन कैमरा में देख रही है फोटो खिंचाते समय hmm. दुल्हन यूं कर रही है मैंने कहा अरे भाई यार ट्रेंड सेटर इट्स दैट लेवल ऑफ दिस थिंग एंड आई थिंक दैट इज व्हाई आई से सो मोर सो बिकॉज कल्चरली वो बहुत डिफरेंट है एंड उसमें कल्चर के साथ साथ एक क्लास का भी एलिमेंट आ जाता है कि मैंने, तो, हाँ, मैंने तो अभी मैं तो ये दो चार साल पहले ही देखी है hmm. कि ऐसा हो रहा है एंट्री हो रही है पहले वही कि अगर जैसे एंट्री तो चलो बाद में हो गया फिर दोन दुल्हन बैठते हैं फोटो खिंचाते हैं फिर कोई ऐसा होता है कि आओ आओ डांस कर लो वहां पे अगर लड़की ने डांस कर लिया तो उस पर बातें हो जाती है मतलब ये मैंने सुनी है कि फलाने की तो नाच रही थी बहू ऐसा होता तो ये बहुत अभी रिसेंटली देखा आजकल लोग वरमाला के टाइम पे किस भी करते हैं और वही जैन ने जो बोला क्लास वाली बात वो है

The irony of this statement. किसी के सामने वहाँ दो चार लोग खड़े हुए हैं मेरे रिश्तेदार खड़े हैं फोटोग्राफर खड़ा है, <laughs> <रिष्टरार ख़़े> है <laughs> उसका एक आदमी लाइट लेके खड़ा है वो एक कुछ लेके खड़ा है उससे कह रहा किस सेम ये मेरे साथ सेम हुआ है और मैं बता रहा हूँ की उनका ब्रीफ भी इतना ऐसा होता ना की <laughs> वो इतना डिनिंग होता है मतलब या तो कोई ऐसा है वो बोले ऐसे ना कहने का भी एक तरीका हो सकता हाँ, तो हाँ, तो तो हूँ नहीं, 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 <laughs> तो अरे ऐसे वो बेहतर बता पाएंगे बता पाएंगे अच्छे से तुम्हें समझगा वो अच्छे से वो लड़क जो वही ना जो एलईडी लेके हाथ में खड़ा है थोड़ा क्लियो जाओ <laughs> वो तो मुझे लग रहा है ना कि फोटो ज्यादा अपने मजे के लिए के रहा <laughs> right. तो उसके आगे ऑफवर्ड हो ही जाएगा ये सेम मैंने भी फील किया बट आई थिंक ये पहले शादी में जरूरी था डांस लड़की रोए जरूरी विदाई पे लड़की रोए थी रोती भी तो ऐसी थी की बेहोश हो जाती थी पानी पिलाना पड़ रहा है

डोली वहां गई अर्थी वहीं से उठेगी hmm. तो इंटरेक्शन बहुत कम होता था कि कभी साल पीछे आ, सास रिक्वेस्ट नहीं थे, वो बात उसे। ने बॉलीवुड कैसे इम्पैक्ट किया है इंडियन शादियों को बाकी चीजों को भी किया है बट आज हम शादी पे फोकस कर रहे हैं तो उसी की बात करेंगे पहला जो आपने बोला की आई थिंक सूरज बढ़ बड़जात्या सबसे पहले वही लेके आए क्योंकि हमारे घरों में अभी भी संगीत का मतलब है बहुत ही महिलाओं का लोकलाइज चीज या तो वो खुद से कर लेती हैं या आजकल मंडलियां आने लगी हैं और महिलाएं आ जाती हैं तो वो चम्मच रही होती हैं एक आंटी ढोलक एक ढोलक बजा रही होती है, और, एक, एक रही होती है। और मैं तो अपनी मम्मी को आइडिया दे चुका हूं उन्होंने लिया नहीं है और किसी की मम्मी या बच्चा देख रहा हो तो अपनी मम्मी को बताया कि भाई यूट्यूब पे अभी भी इनफ वीडियो नहीं है शादी के गानों के विद ढोलक एंड चम्मच

तो हमने कहीं ना कहीं परफॉर्मेटिव एलिमेंट देखे हैं, बट नॉट इन सो डी एज आर पेरेंट्स वो hmm. uh, लार्जली hmm. hmm. so hmm. so hmm. ah. आता तो परफॉर्मेटिव एलिमेंट भी उधर से ही आ रहा है hmm. की वहां पर लाइक like हम साथ साथ है हम आपके है में बाकायदा बड़े बड़े कॉस्ट्यूम्स थे बैकग्राउंड आर्टिस्ट थे उनकी प्रॉपर परफॉर्मेंसेस थे

हम इसी बात करेंगे गाने म्यूजिक लेकिन ढोल ये सब तो पहले से भी बसते गए वो शायद इंस्ट्रूमेंट अलग हुआ करते थे घर हाँ। हाँ। में शादी है ढोल आया सब नाच रहे हैं अब बाकायदाफी वो चीज अब बॉलीवुड से चेंज होती आई है वही क्या

Um, and I, and I under, like, जब हमने पहली बार ये होते हुए <coughs> देखा तो हमारा यही था की भाई इनको टाइम कब मिल गया <coughs> क्यूँकी अगर हमारे घर में शादी हो रही है हम तो आखिरी दिन तक एक सिलेंडर की जुगाड़ में होते है यार हलवाई सिलेंडर मंगा रहा है के लिए कपड़ा मंगा रहा है बीच में आपने प्रिपेयर कब कर लिया <laughs> वो बात में लड़कों का ये लड़कियों का है कि शादी का घर है मतलब आप कम से कम हजार लीटर चाय तो बना चुके होते हैं तब तक आ, उसके बाद जो व्हाट डू यू कॉल देम जो हम लोग में सनेश बोलते हैं इन आर लोकल टर्म जो ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयाँ पैक होनी होती है जो घर वाले काम होते हैं बेसिकली लड़के बाहर के काम कर रहे होते हैं डेकोरेशन ये वो हम जितने भी घर वाले काम सारी लड़कियाँ छोटे छोटे काम छोटे छोटे काम ये पैक करके रखना है दीदी का सूटकेस पैक होना है

मूवीज सिनेमा मतलब सिनेमा हो गया वेडिंग आई hmm. ये मेजर फैक्टर hmm. है मतलब hmm. शादियों में तो मुझे लगता है हर कोई ही इंडस्ट्री इट्स एन इंडस्ट्री और सबके पास अपॉर्चुनिटी है लिटरली कमाने की मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग विजिबली दिखते हैं वो तो सारे कमाए रहे हैं उसके पीछे से इतने सारे लोग इतना खाना लगता है hmm. बाकी अरेंजमेंट मतलब सबके पास कमाने की अपॉर्चुनिटी है hmm. तो थोड़ा उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे भी आई थिंक हमें

अथॉरिटी है पावर है कुछ भी है तो देअर बेडिंग्स कि पूरे गांव को खाना खिलाया ये खिलाया वो खिलाया mm. वहां से हलवाई आया दिस इन दैट एंड दैट वॉज द एस्पिशन दैट लेट डाउन दैट एक्चुअली ट्रिकल डाउन टू दीज मिडिलो कास्ट एंड सो वहां से वो आया अब नाउ वेन आई थिंक अबाउट इट इन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट देर आर लाइक देर आर सो मैनी सब इंडस्ट्रीज कि अगर आप आउटफिट्स की भी बात कर रहे हो उसका एक पूरी अलग इंडस्ट्री है hmm. आप फोटोग्राफी की अलग इंडस्ट्री है इवेंट की अलग इंडस्ट्री है आ, अब तो वेटर्स की भी अलग इंडस्ट्री होने लगी hmm. so, वेटर्स तो कुछ और काम करते हैं एंड हाँ. उसके अंदर भी आई टेल यू एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है की वी आई पी वेटर भी होते हैं आई हेव सीन दैट वी आई पी वेटर होते हैं इंग्लिश बोलते हैं अरे वो होते हैं, हैं। तो बच्चन बच्चन कि वो शादी एक दिन होती है थोड़ा लार्जर देन लाइफ फील करते अपने अपने लेवल पे मतलब गरीब की भी अगर शादी हो रही है तो गरीब भी रोज तो घोड़े पे नहीं बैठ रहा ना लेकिन एक दिन तो वो भी अपने लेवल के अच्छे कपड़े पहन के तलवारे लेके जाएगा राजकुमार जैसा फील होगा और उसे लड़की वाले वैसा फील कराएंगे किसी भी एस्पेक्ट से लड़की आ रही हो मतलब इकोनॉमिकली बट उस दिन वो बेस्ट ड्रेस सो इफ यू लुक एट इट ऑल्सो जो अटायर होता है इंडियन वेडिंग्स का चाहे वो किसी भी फेथ का हो

अस सोसाइटी नेशन कि हम इतने सारे हैं और शादी सबको ही कर शादी सबको ही लिफाफों का बिजनेस खोल लो हाँ कुछ हम भी कर लो हा। मतलब हम ऊपर भी चलाने लगे hmm. तो इतनी ऊपर चल जाएंगी चल कि आपको कभी कमी hmm. नहीं होगी ऊपर hmm. की सो आई थिंक दैट बिकॉज ऑफ आर स्केल हम hmm. इतने सारे हैं लाइक यू से

It's also of matlab, aapke life mein kuch से बोलना शुरू कर देते हैं जैसे मेरे भाई की शादी हुई तो मेरा भतीजा था उसको तेरी भी करा देंगे <laughs> साथ के साथ तू बचपन से ही <laughs> होता है दिमाग तो ऐसी में आएंगे। हाँ, कि ऐसी उफर... लाएंगे तेरी उससे करा दे, ऐसे बच्चों बच्चों मजाक करा लड़का दे। देने ऑफर हाँ। लेटर आया नहीं देखना लड़की ने अच्छी चाय बना दी अब इसकी शादी बचपन से ये बीज है जो दिमाग बच्चों में भी डाला जाता है मैगी भी बना लेता है ना तुम्हारी बीवी बहुत खुश रहेगी खाना बनाना ये बातों में हमारी

आर खोलने की लड़की पैदा हो गई है पढ़े लिखे तो चलो बाद में इसके पच्चीस तीस लाख रूपये शादी का लगेगा नहीं और वो भी है कितने कन्या योजना की आप पैदा होने से ना आप प्लान करते हो उसकी शादी के लिए तो नेचुरली जब शादी हो जाती है इमेजिन की आपका कोई सपना इतना बड़ा हो जो सडनली फुलफिल हो जाए तो एक लाइफ में एक सडन सेंस ऑफ हाउ आई से रिलीफ रिलीफ नहीं आ जाएगी कि अब मैं क्या करूँ तो बच्चा <laughs> अगर आपके पेरेंट्स बोलना नहीं चाहिए बट इफ योर पेरेंट्सोता की भी शादी देखनी है उसकी दादी ने उसकी शादी बीस इक्कीस साल में करा दी की बीमार हो गई थी बेटा मैं मर जाऊंगी दादी अभी भी जिंदा है

अगर उससे बड़ी कोई खुशी है तो वो But like, like you said कि ये देखो दादी के लिए तो मैं कर नहीं <laughs> <honestly. laughs> मैं बता रहा हूँ चलो माँ बाप के लिए वो बहुत इमीडिएट खुशी है बट दादी तो एक देख चुकी है ना अगली जनरेशन की शादी देखने ही अगर एक खुशी है बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ यहाँ पे तो दादी ऑलरेडी एक देख चुकी है hmm. माँ बाप पहली आपकी देखेंगे

नहीं की मैंने यार या, तो ठीक है भाई भाई आप दोनों अपनी अपनी कहानी सुनाओ फिर मैं मैं मेरा तो ये था कि पहले आ... तो एक, तो एक, तुम भाई। <laughs> मेरा तो एक बार है <laughs> मेरा तो ऐसा <laughs> <laughs> तो हुआ कि स्कूल में थे एक दिन सब ने ट्यूशन का बंक किया पूरा मास बंक और एक दोस्त ने बर्थडे पार्टी दी हाईवे पे किसी ढाबे में सब वहां जा रहे थे तो सब टाइम पे निकल गए मैं और मेरा दोस्त पैशन प्रो बाइक थी हमारे पास हम किसी कारण से लेट हो गए पुलिस वाले ने मैं देख लिया अब वो पहले ही झलाया हुआ है कि उसे जाम सुलझाना उसमें देख रहा हूँ कि दो लौंडे बाइक और आड़ी करके जा रहे हैं स्कूल के मुँह आधी अधूरी आई हुई रखा वैसे अंकल ट्यूशन जा रहे हैं कौन से ट्यूशन चल रहे हैं आईवे पे उसने गाड़ी वाली भाई कि दिख मत जाना तो हम एक बार में तो माने नहीं मैं भाई किसी गली से निकल फिर वापस चलते हैं तो मोड़ मार के फिर वापस आई पे आ गए फिर वो पुलिस वाला अब वहां पर गया कहा अंकल अब तो घर ही जा रहे हैं तो उसका ये कि हाईवे की तरफ क्यों आ रहे हो घर हाईवे पे कौन सा ट्यूशन है कौन सा घर है उसने फिर हमें लताड़ा और फिर तीसरी बार हम वापस आए हमें दूर से दिख गया मैंने कहा अब नहीं भाई अब तो ये हमारी बाइक ही रख लेगा और फिर कहानी लंबी हो जाएगी वापस चलते हैं लेकिन अब थोड़े वेल ड्रेस थे उस दिन ट्यूशन के लिए पार्टी के लिए तैयार होकर आए थे तो अब यहाँ कि घर जाके खाना तो नहीं खाना यार मन बना के आए थे कुछ तंदूरी खाएंगे कुछ ऐसा होगा तो फिर क्या करें क्या करें पैसे इतने थे नहीं तो एक शादी होती दिखी तो भाई अपना हुआ कि आज हिम्मत जुड़ाई थी थोड़ा थ्री एडियट्स आ चुकी थी तो तभी नहीं, नहीं, तो तो नहीं खुलता है, ये वो में होता है। तो वो सिर्फ स्नैक्स चल रहे हैं थोड़े बहुत उसमें भी पता नहीं कब का पनीर है वो जिसका टिक्का बना हुआ वो सर्व कर रहे हैं बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है एक छोटे वाले व्हाइट रसगुल्ले चल रहे हैं और एक वो चल रहे हैं दो चीज वो घुमाए जा रहे हैं घुमाए जा रहे हैं खाना खुलेगा भाई बारात तो आने दो बारात तो आने दो भाई अब हमने कहा अब तो आज चाहे लेट हो जाए खाना तो आज खा के ही जाएंगे फिर आधा पौना घंटा और वेट किया तो अचानक और फिर उनका रीज़न हमें सही भी लगा कि क्यों नहीं खोल देते क्योंकि बारात तो इतनी बड़ी आई ना कि अगर वो पहले ही खोल देते और कुछ चीज़ें अगेन किसी बच्चे के फिर गोलगप्पे मिस हो जाते <laughs> तो इसलिए उन्हें खोल के रखा वहाँ मैंने पहली बार ही किया उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब मैं और राजेश नजर बट्टू में काम करते थे हम कुछ कमाते नहीं थे तो फिर मेरे को लगता था कि घर जाके ठंडी रोटी क्या खानी यार इतना बढ़िया बाहर ये है मेरे घर के बाहर से देखा था दो बैंक थे बहुत बढ़िया बढ़िया तो मैं ऑल्टरनेटिव जाता था एक दिन तरंग बैंकवेट में चला गया एक दिन दूसरे बैंक में चला गया और तब मैं फेमस भी हो चुका था तो लोग अरे भाई आप यहाँ कैसे तो मैं पहले पूछा तुम किस साइड से हम लड़की मैं लड़के वाले की साइड से तो तुरंत ऑपोजिट साइड चुनता था कॉन्फिडेंस से खा के घर जाके सो जाता था एक बार शादी क्रैश करके कॉन्फिडेंस आ गया तो उसको रेगुलर बना फिर मैंने रेगुलर बना दिया मेरा नहीं मैं ना? मैंने सोचा भी कभी तो लेकिन मेरा जब भी वो भूख के चलते हो नहीं मैं मैं तो स्वाद के चलते ऐसा मेरे जो कुछ दोस्त थे स्कूल के तो आज तो गली तो तो मोहल्ले के तो वो बड़ी जब बड़ी कहानी सुनाते थे कि भाई वहाँ गए शादी में आ गए तो मेरा भी अंदर से मन हुआ मेरे को डर था कि मैं सब बोल के तो जा नहीं सकता घर पर डांट पड़ेगी लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मैं उस मन को पूरा कर पाता मुझे एक उनकी कहानी सुनने को मिली जहाँ उनकी पिटाई हुई दो दो लड़के गए थे और वो गलत शादी में चले गए थे एक्चुअली क्या हुआ था कि वो किसी और शादी में जाना चाहते थे

जो वेडिंग अटायर जिनका ट्रैक सूट होता है भाई दावे। उनकी नजर में अगर आप और तो उनकी आप आप होती। तेज होती है, भाई। तेज होती है। वो उनको पता ही होगा तो उसमें जब भी आप वेडिंग क्रैश करें तो ट्राई करें मिनिमम आठ सौ रूपये प्लेट वाली जगह फर्क नहीं पड़ता है एक आधा एक्स्ट्रा मैं गया था और वो टाइम था और मेरा हम घर में रहते थे और माँ बाप कहीं गए हुए थे कितनी मैगी खाए इंसान डेली मैगी सवेरे <laughs> दोपहर शाम तीन टाइम मैगी एक दिन बाहर से, से थे मैंने कहा थे मैगी नहीं खाएंगे आज <laughs> तो देखा शादी है शादी घर घर नहाये धोए तैयार हुए सूट पहना बाहर आए तो देखा गेस्ट लिस्ट लगी हुई लोगों के नाम चेक हो रहे हैं <laughs> इससे नीचे वाली में जाना इसके दोस्त बता दे रहा हूँ ना मैं गया उसमें तो मैं बड़े कॉन्फिडेंटली कॉन्फिडेंस इज कॉन्फिडेंटली कार्ड के भैया सिगरेट पी सकते नहीं अंदर अलाउड नहीं मैं ठीक है थोड़े में, हमने, आप तो जा सकते हैं भाई कह रहा बिल्कुल सर गए <laughs> <लाएस। laughs> भाई अंदर तो एक कदा बैठा हुआ है खुली गाड़ी के ऊपर और धगड़ भाग <laughs> के नाच रहे अब वो रिबन ही ना काट के दे रहे साले वो भैंस चल रही है इतने लाख रुपए दो उतने लाख रुपए दो खैर रिबन उठाए अंदर घुस को अंदर देखते क्या भाई टेपिन यहाँ की क्या होता है मैंने अपनी लाइफ में खुद पहली बार होता है क्या करते हैं इसमें कहरा भी दिखा दो उसने अंदर से निकाले भाई थोड़े से मशरूम थोड़े से जुकीने जो उसमें मुझे पता नहीं था क्या होती है टक -टंक 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 बजाया टको तबे भी नहीं बजाते हाँ वो बजा के प्लेट में निकाल दिया कह रहा है भाई अजीब अजीब अलग अलग मलेशियन काउंटर ये सब काउंटर फल काउंटर खूब खाया भी हमने भाई छक्के खाया बाहर निकले तो अंकल ने हाथ पकड़ा कहाँ जा रहे हो भाई बिल्कुल जितना टॉम एंड जेरी का टॉम पूरा ब्लू हो जाता था घर जा रहे हैं खाली हाथ ये लो डिब्बा लेकर जाओ डिब्बा उसके बाद से भाई परिवार के हीरो थे अपन दोनों की कि भाई शादी से डिब्बा मार के बाहर निकलने और अंदर घुसने का एक ये भी है कि आप ऐसा फोन पे बात करते हैं हाँ, जा सकते सकता वो भी काफी वो देता है कि हाँ किधर है

तो सब इंडियन अटायर में तो सारे लोग साथ में घुस गए खापी करके निकल गए वेरी वेरी बोरिंग उसमें नहीं होता लड़कियों के बाप देख रहे भंडारा हो रहा था मैं अंदर गई भी गई आर यू श्योर की वो शादी थी सिंपल इन दिन गणेश चतुर्थी थी तुम्डारा हो नहींक्शन शादी थी या नहीं मुझे बट इट अ फंक्शन और देखो दिल्ली में बहुत भंडारे होते हैं और मेरे कॉलेज के पास तो बहुत होते थे वही नहीं तो भंडारे का खाना खाते खाते भी इंसान बोर हो जाता है स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स ये तो मैं बिल्कुल छह महीने बॉम्बे रहा हूँ मैं तरस गया भंडारे के लिए ये और मैं जिस दिन भंडारा होता है ना और हम साथ में होते हैं हम ढूंढते हैं भंडारा भाई लास्ट भी हमने ढूंढा है कितने त्योहारों पे हम व्रत इसलिए नहीं रखते

उनके बारे में ज़्यादा होना चाहिए बट थोड़ा सा एक ये पॉइंट ऑफ व्यू भी रहता है कि इट्स नॉट अबाउट ग्रूम और नॉट अबाउट ब्राइड इट्स मोर अबाउट द प्राइड प्राइड वाला एलिमेंट जो आ जाता है उसकी वजह से कितनी शादियाँ होने नहीं दी जाती हैं जो की जाती हैं उन्हें स्केल अप किया जाता है उस साइकी के बारे में आप लोगों का क्या कहना है नहीं देखो मैं बहुत ही प्रैग्मेटिकस्पेक्टिव इस पर फिलोसफिकली वेरी इंटरेस्टिंग टू से दैट इट इज़ अबाउट टू इंडिविजुअल्स इट्स नॉट प्रैग्मेटिकली इट्स नॉट

मेरी शादी कश्मीर में कोची से अपलाई करा करके कश्मीर में ले कर फोटोग्राफर लेकर आऊंगी सो so, वो सारी चीजें रहती हैं लाइक आई वॉन्टेडिकोजर हाँ यू से लोकी जहाँ पे लड़कियाँ चाहती है कि लो कि आ, लो की लोकी हाँ। हो रिश्तेदार मत बुलाओं वो लड़कियों का दिन हाँ। होता है शादियाँ लड़कों का दिन नहीं होता है

बट अब मैं देखता हूँ कि वहाँ भी नोट उड़ रहे हैं वहां भी सोना बट रहा है ये सब हो रहा है, तो क्या सिर्फ ये नॉर्थ इंडियन चीज है या पैन hmm. hmm. <clears throat> तो सैकड़ों कल्चर है इट इज अक्रॉस अलग अलग तरीकों से होता है फॉर एग्जाम्पल इन ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ग्रेट मंडप You might not have all these entries, hmm. but the amount of gold that yeah. they give. Hmm. Similarly, like I know Kashmiri hmm. tradition. Again, uh, Kashmir ट्रेडिशन ये कि जो वहाँ वाजे होता है जो वाजवा बनाता है hmm. वो डेट देता है शादी की कि मैं इस दिन को फ्री हूँ, उस दिन रख लो शादी Caterer. डेट देता है चार आदमी घर भी लेकर जाओ सो so,

वेरी फनी वेडिंग ऑल्सो एट दैट फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ तमिल मुस्लिम उन वहाँ बाई इन समेजेस इट इज बैंड बाई द मस्जिद दैट यू विल नो नॉट है लाउड वेडिंग मना है रेस्ट्रिक्शन है कि इससे ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते hmm. बैन, बैन है वहां पर तो वो मुला टाइम देगा कि सवेरे सात बजे पहुंचना है निकाह के लिए भाई लॉन्डे लुंगी लुंगी उठा के भाग रहे हैं कि लेट हो गए कि सात बजे नहीं गए तो मुला जी मना कर देंगे आज कल कल पे टाल देंगे सो hmm. so वहाँ वही देखा एंड स्टैंडर्ड मेन्यू डिसाइड होता है

<laughs> मैट्रिक <में, में चार्थ। laughs> <laughs> <laughs> हमारे एक उसकी बहन की शादी थी हुँ. तो उसके नाम के जैसे दर्शना अभिलाषी करके लिखते नीचे कार्ड में हुँ. तो उसका नाम लिखा था और जैसे आप बात वो एक लिमिट में भी पता नहीं उसके में जैसे आप बता रहे थे खर्चे को ऐसा अपने हरियाणा में यूपी में भी हाँ। और भी जगह होता हूँ ऐसे हाँ। बोलते कि एक रुपए की शादी करेंगे कि वो एक रुपया ही लेंगे ये सब मुझे पहले क्यों नहीं पता तो चला बाकी चीजें तो पे तो खर्चा, खर्चा हो हो है। पे खर्चा होगा लेकिन लेन देन जो एक रुपए का होगा नहीं वो भाई है ना कि नॉमिनल हो गया एंड ये राइट कि बहुत से कल्चर्स में बहुत से कम्युनिटीज में ये कर दिया गया है

तो हम तीन लड़के वो भी चलो हम दोनों तो सिमिलर ही है काफी बट जैन को हम लेके आए हमें पता चला तमिलनाडु की शादियों में क्या होता है उसके और अपना एक पक्ष लेके आई हमें मुझे भी पता चला बिहार में जमीन मिलती है राजेश शायद अब वही लड़की ढूंढेगा बट हम सिर्फ इसको अपन चारों तक सीमित नहीं रखना चाहते हम चाहते हैं आप लोग भी इसका एक एक्टिव पार्ट बने हमने ऑनेस्ट रिव्यू में भी ये ट्राई किया था बट कमेंट्स में क्या होता है फिर एक रेस्ट्रिक्शन आ जाती है कि कॉमेंट्स uh, में खो जाती हैं चीजें और mm. सिर्फ छोटी बात ना लेके आप अपनी कहानियां शेयर करें वेडिंग्स को लेके कोई फन स्टोरी है आपके पास आप वो हमें बताएं और एक्टिवली फ्रॉम नेक्स्ट एपिसोड ऑनवर्ड इस पर यह होने वाला है कि आप जो हमें लिख के भेजोगे वो हम पढ़ने वाले हैं और उस पर डिस्कस भी करने हाँ। वाले हैं सिर्फ पढ़ के नहीं छोड़ देंगे यहाँ पे एक ई मेल आ रही होगी इस पर आप हमें ई करें ये बातचीत आपको कैसी लगी उसके बारे में बताएं और साथ ही साथ हमें लिख के वेडिंग से जुड़ा हुआ कुछ भी एक छोटी स्टोरी हो कुछ भी आप अपने कल्चर में कुछ ऐसा देखते हैं जो आप कुछ भी हाँ एनीथिंग रिलेटेड टू वेडिंग आपको किसी से करने का मन हो हो नहीं पा रही हो कहीं से कहीं तक शुभम सर आके कराएंगे आपको कपड़े आगे करना सस्ते तो बनवा देगा मेरे टेलर काका से आप जुड़ना चाहते हो और अगला एपिसोड वैसे हमने कुछ कुछ सोचा हुआ है अगर आप कुछ अगला टॉपिक भी सजेस्ट करना हाँ। चाहते हैं द ग्रेट इंडियन आगे आपको फिल करना है वो आप हमें बताएं कि अगली बातचीत इसके बारे में होनी चाहिए और जैन या कैसे आए वो अलग फन स्टोरी है भाई ये लास्ट मोमेंट चीज हुई है बट अगर आप चाहते हैं कि जैन एक कांस्टेंट बन जाए तो मैं ऐसा डेयर देता हूँ <laughs> <पोलिंग, laughs> कुछ नहीं आई थिंक अगर हजार कॉमेंट्स आ जाते हैं तो, तो आप भारी मतों से फिर आप यहां हो जाएंगे। इस कुर्सी पे फिर आदमी आपको, देखने मिलेगा। अपील हाँ, भिल्कुल, भिल्कुल भिल्कुल आपको दे। हजार कमेंट ज्यादा नहीं हजार कमेंट्स अगर हमारे शो के पहले एपिसोड पे आ जाते हैं तो ये चौकड़ी कांस्टेंट हो जाएगी पांचवा कभी कोई आया तो आता रहेगा सो हम मिलते रहेंगे हर हफ्ते आपसे ऐसी बातचीत करते रहेंगे कैसा लगा जरूर बताइए लाइक ही लाइक शेयर ही शेयर ही कमेंट सब्सक्राइब ही सब्सक्राइब मैं हमेशा मैं क्यों बोलता हूं। <laughs> सुनते से बोलता <laughs> आप सुनते सुनते हैं, हैं से लोग, बिल्कुल. <laughs> anyway. चलो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड बहुत मजा आया हमें आई होप आपको भी आए थैंक यू वेरी मच